सर्दी की रात में हुए काव्य गोष्ठी के आयोजन में कवियों ने ऐसा समा बांधा कि श्रोता लगातार तालियां बजाकर कवियों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। दरअसल पूर्व पार्षद स्वर्गीय राकेश शर्मा की स्मृति में इंदौर शहर के पंचकुया क्षेत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। गंगा बगीची शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट स्थित हुए आयोजन के उपलक्ष्य में भारत भर से जाने माने कवियों ने काव्य गोष्ठी में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजकों के मुताबिक यह आयोजन विगत 5 वर्षों से हो रहा है। इस आयोजन की शुरुआत स्वर्गीय राकेश शर्मा ने की थी, जिसका मूल उद्देश्य दूसरों के प्रति जीवन जीना है। देखो, गंगा बगीची से सालों से राकेश शर्मा जो मेरे मिस्टर हैं वो जुड़े हुए थे, तो उन्हीं की याद में हम ये कार्यक्रम करते हैं काव्य गोष्ठी। और उन्होंने एक ही चीज़ हमको सिखाई कि मैडम जी ऐसे क्या जाना, हर आदमी ऐसे चल देता है, कुछ करके जाएं, कुछ दिखा के जाएं कि यादों के लिए, के बाद में लोग याद करें। कितने वर्षों से करा रहे हैं? ये कम से कम 4-5 साल से चल रहा है। किस तरह के काव्य गोष्ठी में क्या? काव्य गोष्ठी में क्या है कि इंदौर के जो वो बुलाते थे उनको हम बुलाते हैं, कवि, और जो वो काव्य गोष्ठी करते हैं और चाय नाश्ता वगैरह जो गंगा बगीची में हो पाता है वो कर देते हैं।